मैं हूँ शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने कुछ किचन टूल्स, यानी मेरे डेली यूज के कुछ चीज़ें जो आप रेगुलर हमें लगनी ही लगनी होती हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आज मैं आपको इनका रिव्यू भी दूंगी कि कौन सी चीज़ यूज करने में कितनी अच्छी है, कितना हमारे काम आती है, कितना नहीं आती है, कौन सी हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और जो भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो काफ़ी सारे हैं आज मैं लेके आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सच बताऊँ, इसमें से ऑनलाइन नहीं है, सारे ऑफलाइन हैं। कुछ चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है और कुछ चीज़ें मैंने CSD से लिया हुआ है। तो चलिए आपको साथ साथ बताते जाएंगे क्या मैंने लोकल मार्केट से लिया और क्या मैंने CSD से लिया है। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले जो मेरा पहला प्रोडक्ट है, ये बोरोसिल का मग है, ये डिटॉक्स वाटर मग है। और ये जो है, मतलब आप देखोगे तो अभी ये माप के साथ है, इसका पहले मैं डिटेल्स बता देती हूँ, उसके बाद ओपन करती हूँ। तो ये जो है 1.3 मानी 1 लीटर से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, और इसका जो प्राइस है ये हमें पड़ा है 695 का, यानी 695 का। और ये मतलब ये माइक्रोवेव भी है, और इसे आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो। और ना ये इसमें मापिंग जगह, इसमें मतलब माप लिखी हुई है, तो आप दिन भर में कितना पानी पी रहे हो या फिर कितना डिटॉक्स वाटर ले रहे हो या कुछ भी जो है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हमें पता होगा कि हमें दिन में कितने लीटर लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं लेके आई। ये जो ना बहुत ही अच्छा हैंडल लगा हुआ है, और मैं दिखा दूँ इसको, ऐसा इसमें ढक्कन लगा हुआ है। और इसमें पता है क्या, इसका सबसे अच्छा यूज है कि हम इसमें डिटॉक्स वाटर बनाते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने दिन में कितने क्वांटिटी में पानी लिया है, डिटॉक्स वाटर लिया, कितने लीटर लिया है। तो ये फुल यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये 1 लीटर आता है, और ये 300 ml एक्स्ट्रा आता है, तो 1 लीटर और से ज़्यादा इसमें आता है, पर अगर हम यहाँ तक रखते हैं तो ये 1 लीटर है यहाँ तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और ये मैंने कैंटीन से लिया हुआ है, CSD से लोकल मार्केट में, तो ये हमें कुछ कम का पड़ा होगा, अभी कार्ड नहीं मेरे पास, मेरे को याद नहीं कितने का पड़ा है। और ये देखो, ये यहाँ से ऐसे थोड़ी सी लंबाई में बना हुआ है, तो बहुत क्यूट सा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये मैंने लिया है, फर्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है, और इसका यूज करके मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है कैसा नहीं है। पर बाई क्वालिटी, बाई मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसमें सब कुछ अच्छा, हैंडल बहुत अच्छा दिया, और पता है जार इसका बहुत ही हल्का है। तो इसको रखते हैं, चलिए दूसरे प्रोडक्ट, दूसरा भी मेरा बोरोसिल का ही है, और ये भी ग्लास का ही आइटम है, ये है एक बाउल, ये एक बाउल है, इसमें मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको आप माइक्रोवेव के लिए भी यूज़ करते हो। बोरोसिल की एक खासियत है, जो आप माइक्रोवेव, फ्रिज, फ्रीजर किसी में भी यूज कर सकते हो, फ्रीजर के लिए भी अच्छा है ऑप्शन दिया, क्योंकि इसमें ये जो ढक्कन दिया हो ना, तो इसमें फ्रीजर में क्या होता है कि कोई कांच का बर्तन रखते हो तो पूरी तरह से क्लोज नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये दे रखा है कि आप इसको खोल दो तो इसमें एयर भी नहीं बनती, मतलब एयर नहीं बनेगी, हवा भी जाती रहेगी, और कोई भी सामान आपका आप इसको अच्छे से फ्रिज में यूज कर सकते हो, फ्रीजर में यूज कर सकते हो। तो ये है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसको मैं स्पेशली लाई हूँ अपने लिए, सैलेड वगैरह बना के रखने के लिए,
क्योंकि हर वक्त क्या होता है ना कि जो है हम जब भी खाने का मन होता है तो फिर तुरंत बनाओ, कभी कभी नहीं मन होता कि नहीं बना बनाया रखा हो तो खा लो। और ये कितने थी? तो ये 540 ग्राम का है नेट वेट, जो है नेट क्वांटिटी इसमें 1 आएगी नेट। इसका प्राइस है 530, देख सकते हो अगर आपको दिखता है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, डायरेक्ट फ्लेम यानी डायरेक्ट आग में इसको नहीं रखना है। तो ये भी बहुत 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 ही काम आया। इससे पहले मैंने एक दिखाया था वो बड़ा था, इस बार मैं गोल में लेके आई क्योंकि मुझे मतलब कुछ चीज़ें अपने लिए बना के रखनी होती है तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। और उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आप देख सकते हो भी बोरोशिल का है, और ये है कप सेट। इसको भी मैंने CSD से लिया है, कैंटीन से, बाहर से नहीं लिया हुआ है। एक फोर का सेट है, आप देख सकते हो फोर का सेट है। और इस सच बताऊँ बोरोशिल के प्रोडक्ट जो होते हैं ना स्पेशली ग्लास वाले बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। और मैं मतलब अक्सर मैं CSD से लेती हूँ तो CSD में ज़्यादातर ग्लास का सामान बोरोशिल का ही होता है। तो ये है ऐसे फोर का सेट, ये देखो ये फोर का सेट है, मैं निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा बड़े साइज के कप हैं ग्रीन टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह के लिए या फिर कुछ भी लेने के लिए, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ के कप हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, बिल्कुल लाइट वेट, लगता ही नहीं कि आपने जो है कांच पकड़ रखा हाथ में, क्योंकि कोई होता है ना कि जो है ग्लास वो हैवी होता है वेटेड होता है, पर ये बिल्कुल वेटेड नहीं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये है फोर का सेट लिया हुआ मैंने, ना मुझे अच्छा लगता है। इससे मैंने छोटे वाले लेना चाह रही थी पर उस समय छोटे नहीं थे, तो 6 का सेट अगली बार जाऊँगी तो मैं उसको भी लेके आऊँगी। तो थोड़ा सा बड़े थे 4 वाला सेट तो मैंने इसको ले लिया। तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं अगर आप यूज करना हो। आप देखिएगा आजकल जो है कांच का कप बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा था और मेरे को ग्रीन टी वगैरह पीनी होती है या फिर कुछ होता है तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। वो ये भी बहुत अच्छा है और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, मतलब अच्छा है, चाय पियो कॉफ़ी पियो या ठंडा गर्म कुछ भी इसमें ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका एक 4 का से प्राइस इसका भी 675 है। बोरोशिल के थोड़ा सा कोई भी प्रोडक्ट हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है पर अच्छा होता है, मेरे को पसंद आता है। तो इसको भी आप बाई कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, लगता ही नहीं कि हम भारी से कोई कांच हाथ में लिए हैं। और जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये ग्लास जार, ये है ग्लास जार। ये मेरे जो डेली यूज के ग्लास थे वो सारे टूट गए थे, क्या ना कि कांच का सामान है बहुत जल्दी टूटता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंने 1000-2000 वाले नहीं लिए हैं, ये डेली यूज के लिए थोड़ा सा नॉर्मल है। इनका भी प्राइस है बहुत ही ज़्यादा सस्ते नहीं, 6 का कितना प्राइस था, पर इसका भी 6 का प्राइस 400 के आसपास था, 400 में 6 ग्लास मुझे मिले थे। तो अगला प्रोडक्ट कांच के जार तो सबके यहाँ होते हैं और मुझे स्पेशली सुबह जैसे क्या है ना कि एक चीज़ और बताऊँगी, अगर मॉर्निंग में आप गर्म पानी या कुछ भी मिक्स करके रख रहे हो या फिर मिक्स करके पी रहे हो तो उसे आप स्टील के जार में या फिर किसी प्लास्टिक के ग्लास में स्टील कभी मत पीजिए। अगर कुछ भी आप हॉट पानी में मिक्स कर रहे हो तो आपको कोई दवा है वो है, या फिर आप सुबह सुबह हम लोग कुछ ना कुछ लेते रहते हैं तो उसके लिए कभी भी आप किसी भी स्टील के ग्लास में या फिर जो है प्लास्टिक वगैरह जो आजकल चल रहे हैं उनमें कभी भी मतलब या तो आप जो है मिट्टी के बर्तन में लो या फिर आप ग्लास का यूज करो। तो ग्लास बहुत, क्योंकि क्या होता है ना जब हम कुछ मिक्स करते हैं और गर्म चीज़ें होती है जो साथ में बर्तनों का वो होता कास्टिक होता वो साथ में आता है, तो उसके लिए हमें कांच सुबह सुबह यूज करना चाहिए। और मेरे सारे ग्लास टूट चुके थे तो इसको मैंने लिया है, इसको करते हैं बाहर। अगला मेरा जो प्रोडक्ट है वो है बेटा एक बॉटल, ये बॉटल्स इसको मैंने ऐसे मॉल से लिया है लोकल, और ये मुझे शायद 99 में 2 मिली, बाई वन गेट वन फ्री थी। तो ये गर्मी में बहुत काम आती है, मतलब आप इसमें जूस कुछ बना रहे हो बच गया या फिर मिल्क वगैरह कुछ भी जो स्टोर कर सकते हो, फ्रिज के स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी बॉटल है।
तो मेरे को चाहिए थी, तो मैंने दो ही चाहिए थी, तो मैं दो ही ली हूँ। जब भी ज़्यादा एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती मैं जाके फिर ले आती हूँ। और इसके बाद एक छोटा सा प्रोडक्ट है, ये जब हम प्रदर्शनी गए थे वहाँ से लाए थे, जो मसाला वाला जार होता है, तो प्लास्टिक का ही, इसमें हम थोड़ा सा कुछ भी रख सकते हैं, खड़े मसाले या फिर दाने वाले मसाले, कुछ भी रख सकते हैं, या फिर पूजा का सामान। तो इसीलिए मैंने ले लिया है कि जो मुझे ज़रूरत लगेगी जैसा वैसा रख लूँगी। और इसमें ग्रिप ही अच्छी है, ग्रिप जो है इसमें अच्छे से बैठ जाती है, तो आप इसमें कुछ भी रखोगे तो निकलेगा नहीं जो है, ये चीज़ अच्छी मुझे लगी। तो इसीलिए जो ग्रिप है, देखो इसमें निशान बने, ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है, और आपको कोई भी सामान जो है एक मिक्स नहीं होगा। जो प्रोडक्ट है ये एक प्लास्टिक का जार है, अच्छी क्वालिटी वाला है, आप देख सकते हो। इसको मैंने लिया है फ्रिज में स्टोर करने के लिए, सब्जी वगैरह स्टोर करने के लिए। और इसका जो ग्रिप है ये ऐसे खुलता है, तो देखो काफ़ी बड़ा साइज का है, तो सब्जी वगैरह कट करके मुझे स्टोर करनी होती है फ्रिज में, तो इसके लिए मैंने लिया है। ये अच्छे से बंद होता है, इसमें आप कुछ भी रख दो, और मतलब एयर टाइट भी है, इसमें लगा हुआ है टाइट भी, इसमें कुछ बाहर भी नहीं आता है। तो आज का मेरा था, तो ऐसे ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है, इसको मैंने मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगवाया हुआ है, ये भी मेरा लोकल मार्केट। और प्राइस तो मुझे भी नहीं याद है, हाँ है कंपनी मेड, है कंपनी मेड अच्छा है, पर प्राइस मुझे अभी भी नहीं याद है। तो ये थे आज के मेरे कुछ प्रोडक्ट, अगर अच्छे लगे हों तो मुझे अपना आइडिया या फिर अपना जो है आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा सामान अच्छा लगा है, और मैं इनको यूज करूँगी, उसके बाद इनका मैं रिव्यू भी आपको दूँगी कि कौन सा सामान यूजफुल है कौन सा नहीं है। फिलहाल अभी के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ सारा सामान अच्छा है। तो अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।